इतने वर्षों में स्वामी का ध्यान कभी भंग नहीं हुआ, ये अचानक क्या हो गया इन्हें? स्वामी, महाराज, स्वामी, महाराज संभालिए अपने आप को। दरबार में वचन दे चुकी हूँ कि सबके समक्ष इन्हें लेके आओगी, किंतु स्थिति में कि होगा कैसे? महाराज, कान्हा, 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 रुक जा, रुक कहीं ना, बस बहुत हो गया भूल पे भूल, पर आज तो तूने सीमा ही पार कर दो। पहले मैया को फूल देके प्रसन्न कर दो है, और फिर ऐसी सतानी। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है काना, पर आज तू क्रोध देखेगो। आ मैया, चल भीतर, चल। वाह, क्या सखाए मेरे, मुझे अकेला छोड़ के चले गए सबके सब। कैसा ढीठ ठहरे तू, अभी भी दृष्टि बाहर की ओर है तेरी। धन्यवाद दाऊ, कम से कम आप तो मेरे साथ। बहुत पंख लग गए ना पाँव में, चुपचाप बैठ और कान खोलकर मेरी बात सुन। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से, आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया, आज्ञा पालन क्या होता है? इतनी सी बात भी मैं समझाऊं तुझे? कान्हा, आज्ञा का अर्थ है जो बड़े कहे, और पालन याने मानना। किंतु जे बात तो इसके समझ में आती ही ना है ना जिज्जी? इसका मन तो बस सताने में लगता है। पर मैया, चुप चुप लल्ला, कुछ मत बोलियो और चुपचाप यहाँ बैठा रहे। जी देख, दशा देख अपनी, जी हाथ में मिट्टी लगो, मिट्टी खा रहा था। क्या कहेंगे सब कि जसोदा अपने लल्ला को खाने को ना देती है? कुल्ल
खुला कर। महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? संभालिए। आपको क्या हुआ है महाराज? और आपके मुंह में ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है भला? हाँ, और मैंने मना करने पर भी बाहर गयो, और मैं पकड़ने आई तो भागने लगो। अब कछु बोलेगो भी कि चुप रहेगो? आप भी कछु बोलोगे इसको कि केवल मैं ही बुरी बनूं? सुनाई दे रहा है कि ना? कछु बोलोगे आप कि ना? इससे पहले बाबा को मेरे कारण मैया का क्रोध सहना पड़े, मुझे तो कुछ करना ही पड़ोगो मैया। वैसे तो मुझे चुपचाप बैठ के आज्ञा पालन करना है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूं। वाह, पहले भूल पे भूल और फिर जे क्षमा याचना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। खाना क्षमा मांगने के लिए केश नहीं कान पकड़ते हैं, वो भी दाएं हाथ से बायां कान, बायां हाथ से दाया कान। आज तो कितने भी जतन कर ले लल्ला, मेरा क्रोध शांत ना होगा। हाँ नहीं तो बड़ी माँ, बाबा सहायता करो ना। महाराज, दरबार में आप क्षमा कीजिए, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, आज्ञा दीजिए। महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भेंट करें, और ना ही वे स्वयं किसी से भेंट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब तक छोटी मां ना कर तब तक तू ऐसे हिल भी नहीं सकता ना, अब क्या करेगा तू? क्या कर रहा है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल के बताना। ओहो दाऊ, इतना भी नहीं समझते? मैया ने चुपचाप बैठने की आज्ञा दी है ना, आज्ञा पालन कर रहा हूँ, कैसे बोलूं? कर, अच्छे से कर। फिर मुझे क्या संकेत दे रहा था ये तो बता। तनिक देख के बताओ ना दाऊ, भीतर क्या हो रो है? ना, तू मुझे भी फंसवा देगा। आप मेरे दाऊ हो ना, मेरे अच्छे वाले दाऊ हो ना, मेरे प्यारे वाले दाऊ हो ना, आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, पर स्मरण रखना, कभी मैं फंसू तो तुझे भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी।
इतना क्रोध ठीक नहीं है यशोदा, अब शांत हो जाओ। बालक है वो, छोटी मोटी भूल तो करेगो ना। आप दोनों मुझे समझाने का प्रयास मत ही करो। छोटी माँ को मनाने को प्रयास हो रहा है। यशोदा, कितने वर्षों से लल्ला घर के बाहर ना गए। जब उसके सखा संसार के बारे में उसे भिन्न भिन्न बातें बताते होंगे, उसे नदी पहाड़ पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सब की कथाएं सुनाते होंगे, तो उसका भी तो कितना मन ललचाते होगा ना घर के बाहर जाने को। और जो बाहर जाके जो संकट में पड़ जाता है उसका क्या? इतने वर्षों से गोकुल में कोई अनहोनी कोई दुर्घटना ना घटी। यशोदा, मेरा तो यही मानना है कि अब हमें लल्ला को घर के भीतर और बंद ना रखना चाहिए। तुम्हें बाहर जाना चाहिए की बात हो रही है। बाहर पांव धरते तो वो मिट्टी खाने लगो, और आप कह रहे हो बाहर जाने दो। यशोदा, कौतूहल के कारण खा ली होगी मिट्टी उसने। अरे जो बालक कभी बाहर ही ना गए हो, उसे क्या पता मिट्टी क्या होती है। यशोदा, माँ की ममता और मन की चिंता दोनों समझती हूँ मैं। मैंने भी तो बलराम को कितने समय तक घर में ही बंद करके रखा था, तब तुम्ही ने समझाया था मुझे। बस अब वही बात तुम्हें समझनी है। मैं जानती हूँ तुम कान्हा की सुरक्षा चाहती हो, पर अब यही सुरक्षा उसके विकास में बाधा बन रही है। यशोदा, जब प्रतिबंध अधिक हो जाए तो बाल मन में उसे तोड़ने का भाव पनपने लगता है। हो सकता है कान्हा ने आज तुम्हारा वचन इसीलिए तोड़ा हो। तुम जानती हो कान्हा इतने प्रश्न क्यों करते हो? क्योंकि उसे उत्तर चाहिए, और उसके लिए उसका बाहर जाना, इस संसार को स्वयं अपनी आंखों से देखना आवश्यक है। यशोदा, सब कुछ समझाने या बताने से नहीं समझता, स्वयं अनुभव करना पड़ता है, तभी हो पाता है संतान का संपूर्ण विकास। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा यशोदा, कि अधिक आवश्यक क्या है। लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर या फिर सके, सदैव या फिर सदैव तुम पर आश्रित रहे। उसका विकास अन्य बालकों की तरह सामान्य ढंग से हो, या फिर सदैव इस घर में रहे, तुम्हारे आंचल में छुपकर। क्या कर रहा है? वो चल। बहुत मन है तेरा बाहर जाने का, बोल ना। तो तेरे बाबा और बड़ी माँ को लगतो है कि मुझे तुझे बाहर जाने देनो चाहिए, किंतु मैं बड़ी दुविधा में हूँ लल्ला। इसीलिए मैंने निर्णय लियो है कि अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही है मैया, शीघ्र बताओ ना क्या निर्णय है आपका। तू बाहर तो जा सकतो है, पर एक वचन देना पड़ेगा।
कैसा वचन? यही कि लल्ला केवल उतनी ही दूर जा सकतो है जहां तक हम दोनों को एक दूसरे का स्वर सुनाई दे। यशोदा, स्वीकार है तो ही आज्ञा मिलेगी, ना तो ना। पर मैया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका स्वर कहां तक सुनाई देतो है? सुनो जी, आप तनिक बाहर जाके दिखाओ ताकि लल्ला को ठीक ठीक दूरी समझ आ जाए। जाओ ना। सुनाई दे रो है कि ना? हाँ हाँ, सुनाई दे रो है। और पीछे जाओ। और जाओ। अभी सुनाई दे रो है? हाँ हाँ, दे रो है। और जाओ। अभी सुनाई दे रो है? हाँ। हाँ हाँ, दे रो है। देख लो लल्ला, यहीं तक। ये बाहर जाना थोड़ी हुआ मैया। समझ गयो? हाँ, बस इतनी दूर जा सकता है तू। यशोदा, परंतु इतनी दूर में बाहर जाना थोड़ी ना हो। अभी के लिए बस इतनी दूर जाने दूंगी मैं। स्वीकार ना हो तो बता दो। स्वीकार है। आप सबके स्वीकार करने से कछु ना होगो। जिसे आज्ञा चाहिए उसको स्वीकार करना पड़ेगो। इससे पहले कि मैया अपना मन बदल दे। बोल। स्वीकार है मैया, मुझे स्वीकार है। मुझे तो लगा था कि तू तो आज्ञा मिलते ही बाहर भाग जाएगो, पर तू तो यही बैठो है। मैया, आपने तो ही बैठने को बोला था ना। मैं तो आज्ञा पालन कर रहा हूँ। बहुत आज्ञाकारी होगा वे तू। आजा मैया के पास। यशोदा, आज रात अश्विन पूर्णिमा के जागरण के लिए मंदिर आ रही हो ना? अरे हाँ, मैं तो लल्ला के चक्कर में भूल ही गई। बाबा, रात्रि जागरण क्या होता है? हम पूरी रात जाग कर जब प्रभु का भजन करते हैं उसे जागरण कहते हैं। फिर तो मैं भी पूरी रात जाग के जागरण करूंगा। मैया, मैं मंदिर जा सकती हूँ? ना, बिल्कुल ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। यशोदा, मान जाओ। तुम्हें तो कही कि जे वहां तक जा सकते है जहां तक इसे तुम्हारा स्वर सुनाई दे। आना मंदिर में हमारे साथ रहेगो, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे स्वर की पहुंच में। सदैव ऐसे ही हट करके अपनी मन की करवाई लेते हो दोनों, बाबा और लल्ला। लगता है मान गई मैया। मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा।
बताऊं, मैं पहली बार मंदिर जाऊंगो। हाँ जाएगो। बलराम सुन, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। और तू सुन ले, यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे और तेरा बाहर जाना फिर से बंद। दोनों को समझ आई? अब मैं और रोहिणी जीजी जाके अश्विन पूर्णिमा के लिए खीर बनाने जा रहे हैं। मैया, अश्विन पूर्णिमा क्या होता है? अब तो तू मंदिर चल ही रहे ना काना, सदानंद पंडित जी से स्वयं पूछ लियो, पूरा पाठ पढ़ेंगे वो अश्विन पूर्णिमा का। लगता है तुम भूल गई, अश्विन पूर्णिमा आज ही है। रात हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सभासद आने लगेंगे। ये सब अपने महाराज से मिलना चाहते हैं ना, तो आज ही नहीं इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। सुनो, कुछ दीपदंड बुझा दो, महल में प्रकाश कम से कम होना चाहिए, विशेष रूप से महाराज के सिंहासन के चारों ओर। श्री हरि नारायण भगवान की। मैया, यहाँ तो पूरा गांव आयो है, मेरे मित्र भी आए होंगे ना? पर देख लल्ला, अधिक दूर मत ही जाना। बस मैया, इतनी दूरी जाऊंगो कि आपका कान मेरा स्वर सुन पाए और आंखें मुझे देख पाए। मुझे पता है मैया। चाह चंद्रदेव पधार गए, चलो हम सब खीर का प्रसाद उनके प्रकाश में रख दे। हाँ। वहाँ क्या हो रही है? सब खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रख रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि खीर प्रसाद और अधिक मीठी और पौष्टिक हो जाए। चंद्रदेव का स्वाद मीठा होता है क्या? हाँ। और गुड़ से भी अधिक मीठा। तभी सब रात में पंछी उठ के चंद्रदेव तक जाते हैं उनकी मिठास का स्वाद लेने। मैंने अपने झरोखे से देखो है। अब जे कान्हा कह रो है तो सत्य ही होगो। लगता है हमारे साथ आज भी उपहास होने वाला है, आज भी महाराज कंस के दर्शन नहीं होंगे। ये अनुचित है, महारानी ने आश्वासन दिया था हमें। हाँ, बिना महाराज के दर्शन के कोई वापस नहीं लौटेगा।
आज हम महाराज से मिलकर ही यहाँ से जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि महाराज जीवित हैं या नहीं। हम महाराज से मिलकर ही जाएंगे। ताऊ आपको पता है चंद्रदेव खीर को और मीठा कैसे बनाते हैं? तुम दोनों तो हमसे बड़े हो, तुम्हें पता है? मुझे केवल इतना पता है कि जब ये खीर खाने को मिलती है ना, तो बहुत स्वादिष्ट और मीठी भी लगती है। लग तो है, अब मुझे ही जाके पता करना पड़ेगा। समय आ गया है कि पता लगायो जाए चंद्रदेव इस खीर को मीठा कैसे बनाते हैं। काना वहाँ मत जाना, सुबह ही डांट पड़ी है, फिर से पड़ जाएगी। चिंता मत करो दाऊ, आप सब बस मेरे पीछे रहना। आज हम सब चंद्रदेव का रहस्य पता लगा के रहेंगे। क्यों मित्रों? ठीक है, मैं अकेले ही पता लगा लूंगा। केवल ऊपर से तो चंद्रदेव का प्रकाश आ रही है, कहिए कि इससे से तो मीठी ना हो रही। काला क्या कर रहा है? देख रहा था चंद्रदेव का स्वाद मीठा है क्या, पर इसमें तो कोई स्वाद ही ना है। क्या कह रहे हो लल्ला? भैया आप चल के देखो तो सही, चंद्रदेव को कुछ हो जाए ना। लल्ला चलो ना भैया। ये देखो भैया चंद्रदेव। आप सब हंस रहे क्यों हो? चंद्रदेव को बचाओ ना। कान्हा चंद्रदेव तो वहां है लल्ला, देख। वहां भी और यहाँ भी दो दो चंद्रदेव है क्या? ना लल्ला, चंद्रदेव तो एक ही है, पर जब तुझसे इतना प्रेम करते हैं ना, तो जब तू आकाश में देखते है तो तुझे दिखते हैं, और जब तू नीचे देखते है तो जल में भी दिखते हैं। प्रतिबिंब है लल्ला। हाँ, मुझसे इतना प्रेम करते हैं ये, तो मैं इन्हें अपने हाथों में लेकर देखूंगा। हाथ में लेके? जी तो संभव ना है। जब ये इसमें समा सकते हैं, तो मेरे हाथों में क्यों ना आ सकते? मुझे इन्हें छूना है मैया। ऐसा हट मत कर काना। पर क्यों मैया? पर आप मुझे किसी बात के लिए मना ना करती, फिर अभी क्यों कर रही हो? क्या कह रहे हो गाना? देखो ना जी, चंद्रदेव चाहिए इसे, हाथ में पकड़ने की हट करके बैठो है। गाना भैया सही कह रही है, चंद्रदेव कोई हाथ में लेने की वस्तु ना है। मैया को जब मुझे इतनी छोटी सी इच्छा भी ना माननी, तो मुझे यहाँ लाई क्यों? जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लल्ला तुझे तो पता है ना, तेरी मैया तुझसे बात किए बिना एक क्षण भी ना रह सकती। मैं आपसे तभी बात करूंगा
जब आप मुझे चंद्रदेव ला के दोगी तब तक तो ना आपके पास आऊंगा और ना ही प्रसाद खाऊंगा। हाँ नहीं तो लल्ला मैं इसे चंद्रदेव कहां से लाके दूं? प्राप्ति अब तुम क्या करोगी? कैसे मिलवाओगी इन सबको महाराज से? पूरा राज दरबार भरा हुआ है, सब महाराज की प्रतीक्षा में आतुर हैं, और कुछ सभासदों को तो ये भी संदेह है कि स्वामी जीवित है भी या नहीं। तो फिर चलो मिलते हैं उनसे। प्राप्ति वो तुम्हारे नहीं महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा ना तुम्हें मेरे साथ चलो। छल है ये। हाँ हाँ छल है ये, हमें महाराज से मिलना है। आपने आश्वासन दिया था कि आज रात हम महाराज कंस से अवश्य मिल पाएंगे, तो कहाँ है वो? संभव को संभव कर दिया तुमने, किंतु कैसे प्राप्ति? मैंने कहा था ना, ये सब महाराज से मिलना चाहते हैं, तो इन्हें इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ सुझाव तो दो। अरे मैं क्या कहूं, चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। पर मुझे सूझ गयो और समझ में भी आ गयो कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? कस्तूरी कान्हा मैया, जब तक आप मुझे चंद्रदेव नहीं दोगे मैं आपसे बात ना करूंगा। इसीलिए तो बुला रही हूँ लल्ला। आजा ले ले अपने चंद्रदेव। सच्ची में? हाँ लल्ला। चंद्रदेव चाहिए ना? चंद्रदेव को हाथ में पकड़ने के लिए तैयार है ना लल्ला? हाँ। चंद्रदेव जो सारे जग की लीलाओं का संचालन करते हैं उनकी मैया उन्हीं के साथ आज लीला कर रही है। कौन कौन? चंद्रदेव कौन कौन? देखो मेरे पास क्या है।
चंद्रदेव तो चुप, मुंह मीठो करनो है तो मुंह बंद करनो होगो। आजा लाला खा। ये सच्ची में चंद्रदेव है ना मैया? हाँ लाला, पहले आसमान में सच्ची के चंद्रदेव, फिर इसमें और अब मेरे हाथ में। मैया मैं इनका स्वाद चख लूं। कान के गोले को तो चख ही सकते हो लल्ला। मैया ये तो सच्ची में बहुत मीठा है, मैं अपने सखाओं को भी चखा दूं। अवश्य लल्ला, अपनी जो भी वस्तु होती है उसे दूसरों के साथ मिल बांट के ही उपयोग करना चाहिए। आज तो खान की गेंद ने बचा लो, चले। महाराज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं ना? संभव है कई वर्षों की तपस्या के कारण ऐसा लग रहा हो। अश्विन पूर्णिमा की रात जब सब लोग चंद्रदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, आप सब मेरे दर्शन के लिए तड़प रहे थे, और वो तड़प इतनी थी कि उसने मेरी तपस्या, वर्षों की तपस्या भंग कर दी। वैसे ये तपस्या मैं किसके लिए कर रहा था? आप सभी के लिए, ताकि आपके महाराज और शक्तिशाली हो जाएं और उस विष्णु अवतार का वध कर सकें। पर मेरी महारानियों ने मुझे बताया कि मेरा एक भक्त ऐसा भी है जो मुझसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि उसके बारे में जानकर मेरे मन में उससे भेंट करने की इच्छा जाग उठी। और फिर क्या था, मैं अपनी वर्षों की तपस्या भंग करके यहां आ गया। स्वादित चंद्रदेव, एक बार और मिल जाते तो अतिथि अंदर जा जातो। इसमें देखो चंद्रदेव है, मैया के हाथ में आ गए थे, तो मेरे हाथों में क्यों नहीं आ रहे हो? लल्ला जाओ ना मैया, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे है? क्या मुझसे न प्रेम नहीं है? चल 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 भीतर, सदानंद जी पाठ सुनाने वाले, तुझे जानना था ना अश्विन पूर्णिमा के बारे में।
अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, इसका केवल इसलिए महत्व नहीं है कि अब वर्षा ऋतु का समापन हो रहा है, बल्कि इसका इसलिए महत्व है कि आज रात ही चंद्रदेव के प्रकाश में मैया लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी। अब मैया लक्ष्मी की पूजा करके उनके प्रिय खीर को प्रसाद के रूप में चढ़ानो है। माँ लक्ष्मी अवतरित हुई धरा पर, प्रभु के दर्शन को आई, पर देख चंद्र पर ध्यान प्रभु का, माँ अचरज से मुस्काई। अद्भुत प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं और आप चंद्रदेव के दर्शन के लिए उत्साहित है, परंतु मुझे आपके दर्शन मिल गए मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। चंद्रदेव तो फिर से आ गए, तो वो क्या था जो मैंने चखा था? लक्ष्मी मैया की पूजा के पश्चात अब हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे, ताकि वो खीर के प्रसाद पर अपना अमृत तत्व बरसाकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब हम सब खड़े होकर चंद्रदेव के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अभी तो यही आकाश में चमक रहे थे। सब यहाँ है तो काना कहाँ गए? हो दिख नहीं रहा है।